जी बेटा, ये आज हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था रेट्रोग्रेडेशन के बारे में, उसका इफेक्ट के बारे में कि इफेक्ट क्या होता है, रेट्रोग्रेडेशन का किन चीज़ों पे होता है, और उसके वेरिएशन पे कि किस चीज़ से रेट्रोग्रेडेशन कम होता है, किस से रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस बढ़ता है, यानी जो रेट्रोग्रेडेशन पे कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, और रेट्रोग्रेडेशन यानी किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। कल ये हमने स्टडी किया था। आज हमने पढ़ना है कि जो स्टार्च के यूनिट हैं, अमाइलोज या अमाइलोपेक्टन, उनका भी क्या रेट्रोग्रेडेशन पे इफेक्ट होता है? क्या रेट्रोग्रेडेशन कम या ज़्यादा हो सकता है उन यूनिट्स की वजह से, कि अगर अमाइलोज कंटेंट ज़्यादा हो किसी स्टार्च में तो रेट्रोग्रेडेशन पे क्या इफेक्ट होगा, या अगर अमाइलोपेक्टन कंटेंट ज़्यादा हो तो उनका रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेट्रोग्रेडेशन कम होगा, स्लो होगा, या ज़्यादा प्रोसेस होगा। तो ये चीज़ें आज हमने देखनी है। तो इसमें ये है कि एक मिनट बेटा, सिर्फ रिकॉर्ड में पॉज कर रहा हूँ।